गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है डील इज़ अ डील। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि एक शूमेकर होता है, वो बहुत ही अच्छे लेदर के शूज़ बनाता है और उसकी जो बेटी होती है कार्ल, वो उन शूज़ को पॉलिश करने में शूमेकर की मदद करती है। एक दिन शूमेकर मार्केट में अपने बनाए हुए शूज़ को बेचने के लिए जाता है। वहाँ पे उसको एक व्यापारी मिलता है जो उसके साथ उन शूज़ का सौदा करता है। बट वो व्यापारी बहुत ही होशियारी के साथ जो शूमेकर की वैगन होती है और उसका हॉर्स होता है वो भी ले लेता है। और जब शूमेकर इस बात से इनकार करता है तो वो उसको बोलता है, अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी। तो आज हम पढ़ेंगे इन द कोर्ट की कोर्ट के बीच क्या बात हुई। जज, डू यू एग्री टू सेल एवरीथिंग? जज बोलता है, क्या आप इस बात से सहमत है कि आपने हर एक चीज़ बेची? शूमेकर, वेल यस बट, बोलता है हाँ लेकिन। जज, देन अ डील इज़ अ डील एंड यू मस्ट डू एज यू एग्री। जज बोलता है, पर सौदा एक सौदा है और आपको वैसा ही करना चाहिए जैसे आप सहमत हैं। द शूमेकर वॉक बैक होम विद द क्रूल मर्चेंट्स लाफ रिंगिंग इन हिज ईयर। शूमेकर जो है वो घर वापस जाता है और उस व्यापारी क्रूल व्यापारी की जो हंसी है उसके कानों में गूंजती है। When he get home, he explain everything to his daughter कॉल। और जब वो घर वापस आता है तो अपनी बेटी कॉल को हर एक चीज़ वो एक्सप्लेन करता है। कॉल, ओह व्हाट अ ग्रीडी पर्सन, बट डोंट वरी डैड, आई हैव एन आइडिया। कॉल बोलती है, ओह वो कितना लालची इंसान है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। वो बोलती है, डैड डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। अर्ली नेक्स्ट डे कार्ल सेलेक्ट सिक्स ऑफ द फाइनेस्ट पेयर ऑफ डांसिंग स्लीपर्स एंड शूमेकर हैड एवर मेड। अगले दिन सुबह ही कार्ल जो है अपने पापा के द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन डांसिंग स्लीपर्स को सिलेक्ट करती है। कार्ल, लेट मी ट्राई माई लक एट सेलिंग दिस। कार्ल बोलती है, अब मैं अपनी किस्मत आजमाती हूँ इनको बेचने में। इन द मार्केट, अब मार्केट में क्या बात होती है। मर्चेंट, यंग लेडी You look tired. Can I help you? व्यापारी बोलता है, Young lady, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Carl, That would be very nice indeed. She hold out a pair of shoes. Carl बोलती है, ये बहुत ही अच्छी बात होगी और वो शूज़ के जो पेयर हैं वो व्यापारी को पकड़ाती है। Merchant, How much for everything? He grins slyly. Think he can make another good deal for himself. Merchant बोलता है, आप इन सब के कितने लोगे? और वो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, सोचता है कि मैंने अपने लिए एक और अच्छी डील कर ली। कॉल, हाउ मच विल यू गिव मी सर? कॉल बोलती है, आप मुझे इन सब के कितने देंगे सर? मर्चेंट, टेकिंग 3 कॉपर क्वाइन इन हिज हैंड, दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम लेडी, दिस इज़ ऑल आई कैन ऑफर। जो व्यापारी है वो 3 कॉपर के तांबे के कॉइन्स अपने हाथ में रखता है और बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल समय है लेडी, मैं अभी इतने ही दे सकता हूँ। कॉल, एवरीथिंग इन योर हैंड, वो सब कुछ जो आपके हाथ में है। मर्चेंट, यस सडनली, बोलता है हाँ। कॉल, देन इट्स अ डील। कॉल बोलती है, फिर ये एक सौदा रहा। होल्ड आउट हर हैंड फॉर पेमेंट, द मर्चेंट ग्रिन्स स्लीली एंड स्लाइड द कॉइन इनटू इट। और वो पेमेंट के लिए अपने हाथ पेमेंट के लिए उसका हाथ पकड़ता है और हल्की सी स्माइल देता है और पैसे पकड़ा देता है। ओ थैंक यू सर, एंड आई सी यू हैव 3 लवली गोल्ड रिंग्स। कॉल बोलती है, ओ थैंक यू सर, मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में बहुत ही प्यारी 3 गोल्ड रिंग्स हैं। आई विल हैव देम एज वेल, थैंक यू, दे आर वेरी कलरफुल, मैं ये सब लेना चाहती हूँ, थैंक यू, ये बहुत ही रंगीन है। मर्चेंट, व्हाट यू मस्ट बी क्रेजी। व्यापारी बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? कॉल, बट देन यू हैव एग्री टू गिव मी एवरीथिंग इन योर हैंड, डिड नॉट यू? कॉल बोलती है, पर आप इस बात से सहमत थे कि आप मुझे हर एक चीज़ देंगे जो आपके हाथ में है, पर खुद को नहीं। एंड रिमेंबर अ डील इज़ अ डील, और याद रखिए सौदा एक सौदा है। जस्ट द वे यू हैड अ डील विद माई फादर, उसी तरह जैसे आपने मेरे पापा के साथ सौदा किया था। मर्चेंट, ओ नो, रिक्लेंटली ही रिमूव द रिंग्स एंड गिव देम टू कॉल। वो बोलता है, ओ नो, और हिचकिचाते हुए वो अपनी रिंग्स जो है वो कॉल को दे देता है। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।